बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फिज़िक्स में मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है उसको हम कैरी ऑन करेंगे, और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टिकल डायनामिक्स। और पार्टिकल डायनामिक्स में हमारा आज लेक्चर नंबर है 10। रिकॉर्डिंग का स्टार्ट। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपने थर्ड ईयर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में एफएससी पार्ट वन में पढ़ा था। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। अब सारे लोग जानते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रास्ता या पाथ। तो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमने बनानी है आज। तो सबसे पहले वही बेसिक चीज़ के प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। आप सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि ऐसी मोशन सर, आप जिसमें क्या बात कर रहे हैं? जी बेटा आवाज़ नहीं आ रही। बहुत कट कट से आ रही है। बस फिर ये सिग्नल्स का ही कोई इशू है। बहरहाल मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, माइक वगैरह सारा प्रॉपर लगा हुआ है। तो आप लोग ज़रा पेशेंस रखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ अल्लाह करे आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी तो आपके पास यूट्यूब की ऑप्शन तो है, उसमें मैं लेक्चर डेली अपलोड कर देता हूँ। चलें जी। सर क्लियर आ रही है आपकी बात। अच्छा तू मुकाबले थे बोलना सी पुत्र। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसका मतलब है जिसको आवाज़ नहीं आ रही उसके तरफ से नेट का इशू है, वाईफाई का। पीटीसीएल माशाल्लाह तंग भी बड़ा करता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अभी सिग्नल सही आ रहे हैं, अल्लाह करे ठीक ही रहें। एनीवे शुरू करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? ऐसी मोशन जिसमें दो एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो, यानी एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम जब कोई बॉल किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, यानी वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है यानी आगे भी जा रहा है, और वर्टिकल मोशन भी कर रहा है यानी ऊपर और नीचे भी वो आ रहा है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, एक दफ़ा फेंक देते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और इनर्शिया की वजह से अपने पाथ को फॉलो करता है। इनर्शिया की कोशिश ये होती है कि ऑब्जेक्ट को जिस तरफ आपने फेंका है ये उसी तरफ जाता रहे, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी चूँकि मुसलसल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए। तो इसलिए ये टू डायमेंशन की जो मोशन है उसको फॉलो करता है और कर्व्ड पाथ में वापस ज़मीन पर आकर गिर जाता है। ठीक है जी। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। आज हमने उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनानी है। तो डायग्राम सामने आपके बनी हुई है, मैं इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल अल्फा पर
एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल अल्फा पर फेंका और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट। वैसे एफएससी में हम इसको वी आई का नाम देते थे, यहाँ हमने इसको वी नॉट का नाम दिया होगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जैसे यहाँ पर आपको जो एंगल नज़र आ रहा है वो है अल्फा, तो इसके आप दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो इसे आप वी एक्स का नाम दे दें, और अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करूं तो इसे आप वी वाई का नाम दे दें। हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूं, मैं इसके ऊपर से वेक्टर का निशान हटा देता हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ओके, अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो ये आएगा वी नॉट कॉज अल्फा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के साथ कॉज अल्फा कॉज एंगल कॉज ऑफ एंगल आता है। और अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करूं तो ये आएगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स आपने इनके बना लिए, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आपने बना लिए जो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, स्क्रीन पे आप ये सारा देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी का पूरा वेक्टर लिखें, तो जैसे आपको याद होगा आपने हमेशा किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या आपने सीखा हुआ है, ये क्या हो गया है, किसी वेक्टर को लिखने का आपने तरीका क्या सीखा है, वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर जे। सेम इसी तरह से हमने ये इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर को लिख दिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर के भी हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए थे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। इस तरह से आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स की अगर वैल्यूज पुट करें तो यहाँ वी एक्स की जगह आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा या कॉस अल्फा, और वी वाई की जगह आ जाएगा वी नॉट साइन अल्फा। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का एक वेक्टर आ गया जो इस वक्त इक्वेशन नंबर वन के नाम से आपको सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फर्ज करें हम डायग्राम पर दोबारा देखते हैं, फर्ज करें ऑब्जेक्ट जो है चलते चलते यहाँ से गुजरता है, यहाँ से किसी भी जगह से, तो फर्ज करें मैं उसको एट एनी टाइम देख रहा हूँ, किसी भी वक्त देख रहा हूँ, और फर्ज करें जब मैंने इसको देखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। ठीक है, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, अब जाहिर बात है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन होगी कोई ना कोई, इसकी पोजीशन बताने के लिए हम कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो आपने चैप्टर वन में वेक्टर वाले पोर्शन में पढ़ा था। अच्छा, वो जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है, फर्ज करें एट एनी टाइम इसकी पोजीशन है ये आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसमें एक्स क्या चीज़ है, इसमें जो x है जी, इसमें जो x है ये उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है यानी x कोऑर्डिनेट है, और y क्या है उसकी वर्टिकल पोजीशन यानी y कोऑर्डिनेट। जी, आपको यहाँ तक मेरी आवाज आ रही थी, आपको कुछ समझ आ गई है जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ? जी सर। ओके, ठीक है, अब सारे लोग खामोशी से मजीद जो बातें हैं वो सुनते जाएं। देखें, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही चुगल लगाया थोड़ा सा, और वो है दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन में हमने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को लिखा है, और इक्वेशन नंबर टू में हमने प्रोजेक्टाइल की किसी भी टाइम पर पोजीशन लिखी है पोजीशन वेक्टर की शक्ल में। अच्छा, अब आते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ। हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुसलसल वर्टिकली
डाउनवर्ड लग रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वेट। मुसलसल डाउनवर्ड लग रही है। अगर आप मुसलसल, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड की बात करें तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है? अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस डायग्राम के मुताबिक। और अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर माइनस जे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको एक नज़र आ रहा है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वो हमने लिख ली माइनस एम जी इंटू यूनिट वैक्टर जे। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करते हुए हम एफ की जगह एम ए लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये दोनों मैस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बच गया, राइट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी बच गया। अब जो एक्सेलरेशन है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या आप लिखें टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, या आप लिख दें डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरह सर ठीक है सर, बार बार कोई रिमूव कर रहा है। अच्छा बच्चों प्लीज़ आपस में शरारत ना करें, आप जो भी बच्चा ये काम कर रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ वाले को भी नुकसान हो रहा है, प्लीज़ ऐसे ना करें। ठीक हो गया। चले मैं लेक्चर थोड़ा स्लो स्लो देता हूँ ताकि आप दोबारा ज्वाइन करें तो आप देख सकें। ओके जी, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट हैंड साइड पे सारा कुछ वैसे का वैसा आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक डी ओवर डी टी को अलग कर दिया और दूसरा डी ओवर डी टी उसके साथ लिखा नज़र आ रहा है। अब ये वाला जो डी टी है इसको हम दूसरी तरफ ले गए, आपके पास ये बन गया, ये इक्वेशन आपके सामने। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, हम इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, जब आप यहाँ दोनों तरफ इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो जी तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये टाइम का जो डी है ये इस तरफ से कैंसिल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड से ये कैंसिल हो गया, और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे डी आर ओवर डी टी बच गया और राइट हैंड साइड पे माइनस जी इंटू टी इंटू जे हैट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं रेट ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वैक्टर तक। ठीक हो गया। अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर मैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँ, यानी मैं आपसे ये कहूँ कि जब टाइम ज़ीरो था, यानी जब हमने ये सारी इस सारे इवेंट को शुरू किया था, तो जब आप इस सारे इवेंट को शुरू कर रहे थे तो टाइम उस वक्त ज़ीरो था, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी, ये रेट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं ना, तो इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि तब हमने इसको प्रोजेक्ट किया था और इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट से जाहिर करते हैं। आप ये दोनों चीज़ें वापस इस ऊपर वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा वी नॉट, यहाँ पे टाइम की जगह ज़ीरो पुट किया, और इसका मतलब है कि आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ गया। इस तरह से फिर हम वापस इसको पुट कर देंगे सी की जगह पे वी नॉट। ठीक हो गया। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, ये वाली। अब इसको मज़ीद हम एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, डी टी को दोबारा से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये वाली दो टर्म्स आ गई राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डी आर बच गया।
अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दें। जब आप इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर, जी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ आर बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप देखें जो जी है ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन टी और डी टी ये अंदर रहेगा। टी और डी टी इस पर पावर फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आर रह गया, राइट हैंड साइड पे माइनस जी सात टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, पावर फार्मूला सात जे हैड वैसे का वैसा, प्लस वी नॉट टी। और यहाँ भी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, फर्ज करें उसे मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ही जीरो आनी है, इसलिए उसने शुरू में ही उसको लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट ही कर दिया। क्यों जीरो आनी है देखें, अगर मैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँ तो टाइम की जगह जीरो पुट करूँगा, टाइम की जगह जीरो पुट करूँगा। जब टाइम की जगह जीरो पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में ही है, यानी अभी तो उसको हमने छोड़ा ही नहीं है। या आप ये समझ लें ऑब्जेक्ट तो ओरिजिन पर ही है, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर होगा तो फिर तो आर भी जीरो ही होगा। इस तरह से जो डी है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। यानी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो है, इसलिए यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू नहीं आएगी और आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी जो इस वक्त मैंने हाईलाइट की है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? बॉयज साइड से और गर्ल साइड से एक एक बच्चा बता दे। ओके अच्छा जी, इसके बाद आप इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका वेक्टर हमने शुरू में ही लिखा था इसके इक्वल, अगर आपको याद है तो, उसको हमने दोबारा से पुट कर दिया। और पोजीशन वेक्टर की जगह हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया, एक्स आई प्लस वाई जे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स आई प्लस वाई जे आ गया, राइट हैंड साइड पे आपके पास टोटल तीन टर्म्स आ गई हैं। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता हूँ। यानी आपके पास बन गया जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे हैट, प्लस ब्रैकेट को ख़त्म करने लगा हूँ, वी नॉट कॉज अल्फा साथ टी है और साथ आई हैट, प्लस वी नॉट साइन अल्फा साथ टी आएगा और साथ जे है। अब आप देखें इन दो टर्म्स में से जे हैट कॉमन आ सकता है, जो उसने यहाँ पर लिख दिया है अगर आप गौर से देखें। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको, जे हैट को इन दो टर्म से कॉमन निकाला, वी नॉट साइन अल्फा टी पहले लिख दिया और हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में था उसको बाद में लिख दिया, और पहली टर्म ये वाली इसको वैसे का वैसे ही यहाँ पर रहने दिया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनके आई और जे के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। जब आप आई और जे के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा वी नॉट कॉज अल्फा टी के और वाई इक्वल आ जाएगा इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है जे के साथ। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये दो इक्वेशंस भी अलग अलग प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 4 आपको नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, और इक्वेशन नंबर 5 जो आपको नज़र आ रही है ये वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। हमने आज के लेक्चर के शुरू में ही डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होती है। अगर ये टू डायमेंशनल मोशन है तो इसका मतलब है इसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स की मोशन होगी, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर होगा और इसमें वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर हो सकता है। इसलिए दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं। अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, या आप ये समझ लें आपस में मिक्स करना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेशन नंबर 4 में से टाइम की वैल्यू निकाल कर, ये देखें वी नॉट कॉस अल्फा को एक्स के साथ नीचे डिवाइड कर दिया, तो टाइम की वैल्यू आ गई। ये जो टाइम की वैल्यू है इसको वापस पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, यहां पर और यहां पर, ठीक हो गया। तो आपके पास एक टाइम इधर आ गया और एक टाइम इधर आ गया, चूंकि यहाँ टाइम का स्क्वायर था तो इसलिए हमने स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या हुआ जी, यहाँ पर जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म में वी नॉट कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस जो है ये टेन होता है, ये टेन अल्फा आ गया, और माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एज इट इज आ गया। ये जो इस वक्त आपको सामने इक्वेशन नजर आ रही है ये वाली, ये है जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये पैराबॉलिक है। उसकी वजह ये है कि आपको एक तरफ वाई कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है वाई वेरिएबल, और दूसरी तरफ एक्स वेरिएबल नज़र आ रहा है, और एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल डिस्क्राइब्स पैराबॉलिक पाथ, यानी ये ऐसी शक्ल बनाती है जैसा पैराबोला का ग्राफ होता है, ठीक हो गया। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनानी थी, और इक्वेशन बनाने के बाद ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। मुझे आप एक एक दफ़ा बता दें कि आपको इस टॉपिक की यहाँ तक समझ आ गई है सबको, जी सर, जी और सर, बॉय साइड से जी सर, थोड़ी थोड़ी समय लगी है थोड़ी थोड़ी क्यों लगी है, आवाज नहीं आ रही थी? सर, मैं लेट ज्वाइन हूँ नहीं सर, आ गई है। उसके जिसने लेट ज्वाइन किया ना उसको तो बोलने का हक ही नहीं है, वो तो बोले ही ना जी सर, आ गई है समय, जिसने शुरू में ज्वाइन किया ना वो बोले, क्योंकि उसको ही पूरी समझ आएगी। जी एनीवेज सर, आ गई है समय। अच्छा, अब थोड़ा सा हम 2-3 मिनट का गैप रखने लगे हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करके। जी तो बच्चों, ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा टॉपिक, मुझे उम्मीद है आपको इजी लगा होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए और कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे एड्रेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो चलें, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।